और क्या क्या सीख गए हो? लोहे का दो गिनती सब कुछ। चाचा अच्छे से देखरेख करते हैं आपकी? नहीं, वो तो मारते हैं दारू पीके। और जिस दिन खाना नहीं मिलता उस दिन कहाँ खाते हो आप? स्कूल पर खा लेता हूँ। बाल कटवाते हो? अभी पैसा नहीं है, कल मिलेंगे तो कटवा लूंगा। ये जो बच्चा आप देख रहे हैं ये है साहिल मरावी। एक आंख से इनको दिखता नहीं है। 2006 में इनके पिता जो है नौकरी की तलाश में, काम धंधे की तलाश में नागपुर पलायन कर गए थे, जहां एक सड़क दुर्घटना में इनके पिताजी की मौत हो गई थी। उसके बाद इनकी जो माँ थी उनके द्वारा दूसरी शादी कर ली गई, जिससे यह बच्चा अपनी दादी के पास रह गया। हालांकि बाद में यह पता चला कि इनकी जो माँ थी, इनकी जो सगी माँ थी, उसकी भी उनके दूसरे पति के द्वारा हत्या कर दी गई। ऐसी स्थिति में साहिल जो है ये यतीम न होते हुए भी यतीम की ज़िंदगी कैसे जी रहा है वही हम समझते हैं। अनाराम सीख गए हो? हाँ। ABCD? हाँ। और क्या क्या सीख गए हो? लोहे का दो गिनती सब कुछ। अच्छा, पढ़ लेते हो? नाम लिखना आ जाता है? हाँ। पढ़ाई करते आ जाती है? किताब में जो लिखा रहता है पढ़ लेते हो? हाँ। क्या क्या पढ़ लेते हो? सब कुछ पढ़ लेता हूँ। कहानी सुनाओ। कहानी नहीं है मेरे पास। नहीं, स्कूल में जो सिखाते होंगे टीचर वो कहानी? हाँ, मेरे पास नहीं है एक भी कहानी। नहीं सिखाते स्कूल में? अच्छा, भूल जाते हो, ठीक है। अच्छा ये बताओ आपके घर में कौन कौन है इस वक्त? दादी और मैं और चाचा और छोटी बहन। अच्छा, चाचा अच्छे से देखरेख करते हैं आपकी? नहीं, वो तो मारते हैं दारू पीके। दारू पीते हैं? मारते भी है? तो फिर देखरेख कौन करता है आपकी? दादी। दादी करती है। आपका ये जो शर्ट है काफी पुराना है, आपके पास पैसे नहीं है? आपके चाचा पैसे नहीं देते कपड़े पहनने के लिए? अभी नहीं दिए हैं, कल देंगे। देंगे बोले है? अच्छा, तो खाना खाना मिलता है समय पर घर में देते हैं खाना? मिलता है। अच्छा, और जिस दिन खाना नहीं मिलता उस दिन कहाँ खाते हो आप? स्कूल पर खा लेता हूँ। स्कूल में खा लेते हो? और क्या क्या तकलीफ आपको जाती है? और कुछ नहीं, तकलीफ नहीं जाती। तकलीफ कुछ भी नहीं जाती? हाँ। बाल कटवाते हो? अभी पैसा नहीं है, कल मिलेंगे तो कटवा लूंगा। और क्या क्या सीखे हो स्कूल में आने के बाद में? सब कुछ। क्या क्या बताओ थोड़ा? दोए का दो, अनाराम, गिनती। दोए का दो के अलावा और क्या क्या सीखे हो? पुस्तक, पहाड़ा। जोड़ना आ जाता है? जोड़ना। हाँ। दो प्लस दो, दो, दो और धन दो कितना हुआ? चार। चार हुआ। हाँ। और आठ और दो? दस। दस। हाँ। तो साहिल मरावी यह नाम है इस बच्चे का, जो कि बिना माँ बाप के जीवन यापन कर रहा है खुर्सी टोला में। हालांकि बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है, फिलहाल वह 5वीं कक्षा में है। यहाँ पे शिक्षकों के द्वारा उसकी मदद भी की जाती है समय समय पर, और उसे कुछ हद तक पढ़ाया लिखाया जाता है ताकि आगे चलकर यह बच्चा भविष्य में कुछ बन सके या ना बन सके तो कुछ कर सके, अपना कम से कम अपना काम कर सके, धंधा काम कर सके, और उससे वो अपनी ज़िंदगी संवार सके। राकेश भाई ये बताएंगे, ये जो बच्चा है कैसे इसकी परवरिश हो रही है गाँव में? इसकी परवरिश तो सर ऐसा है कि जैसा जो भी इसके देखते हैं तो सब लोग मदद करते हैं। इसकी दादी है मैन इनका परवरिश के लिए, और बाकी सब सर लोग है, बाकी जो भी है देख रेख, जैसा बाल कटवाना है, साबुन नहीं है, ये नहीं है, तो सब गांव के लोग कर देते हैं। इनकी दादी है और ये है, इनके सरकारी योजनाओं का कुछ लाभ मिला है इनको? इनको तो अभी योजना का लाभ नहीं मिला है, मात्र 1,000 रुपये मिलता है बस। मकान वगैरह नहीं बना? नहीं, मकान नहीं बना है। अच्छा, जमीन जायदाद है इनकी? नहीं, जमीन जायदाद नहीं है। साहिल के बारे में अब तक आपने जो सुना उसकी कहानी हमें यहाँ के स्थानीय लोगों ने सुनाई थी और उनके टीचर ने सुनाई थी, और कुछ कहानी तो हमने साहिल से भी सुन ली, लेकिन अब उनके टीचर हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही हम समझ लेते हैं कि कितना साहिल पढ़ाई कर सकता है, कितना आगे जा सकता है, उनमें क्या क्षमता है, और साहिल को किस तरह से वो शिक्षित कर रहे हैं, और उनकी परवरिश कैसे होती है। क्या नाम है आपका सर? मैं JP चौक से लिखता हूँ। चौक से सर ये बताएंगे, ये जो साहिल मरावी जो लड़का है जिसके माता पिता नहीं है इस समय, किस तरह से ये बच्चा अध्यापन पढ़ाई में है? क्या है सर, बहुत लंबी कहानी है इनकी। क्या है, इनके पिताजी बाहर काम करने गए हुए थे, वहाँ वो एक्सपायर हो गए कोई दुर्घटना से। उसके बाद उनकी जो मम्मी थी वो भी इनको जन्म देने के बाद और किसी दूसरे पति को बना ली, और वो भी कोई दूसरे पति ने उसका मर्डर कर दिया। नहीं, ये बच्चा जो है,
बच्चा अनाथ हो गया तो उसके परवरिश कहना चाहिए उसकी दादी करने लगी, और जब बड़ा हुआ हमारे स्कूल आया तो उसका हमने बराबर नाम दर्ज किए, उसको पढ़ाने लिखाने का पूरा प्रयास किए, जो हो सके हमसे मदद, चाहे आर्थिक रूप से हो और उसके खाने पीने से हो, पहनने ओढ़ने से हो। अच्छा, ये बताएंगे अभी पढ़ाई में कैसा है बच्चा? अच्छा है पढ़ाई में तो, और उसको हम साल में एक दो बार कपड़े, पुस्तक और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर फोकस करते हैं ताकि वो बच्चा आगे बढ़ सके। तो जेपी चौक से जो कि यहाँ पे शिक्षक है प्राथमिक शाला खुर्सी टोला में, ये साहिल मरावी की देखरेख करते हैं। चूँकि शिक्षक का कर्तव्य होता है कि अपना जो शिष्य होता है उसको आगे बढ़ाने में, उसको मोटिवेट करने में और उसको ऊंचाई पर देखने का एक सपना होता है शिक्षक का, उन्हीं कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं चौकसे जी। उनके द्वारा समय समय पर इस बच्चे की मदद भी की जाती है और जब कभी भी साहिल को ज़रूरत होती है वे ज़रूर उन्हें कुछ न कुछ तो मदद के तौर पर गिफ्ट कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से कहानी है साहिल मरावी की। आगे हम साहिल मरावी की जो समस्याएं हैं, जिस तक गरीबी के बीच वह जीवन यापन कर रहा है, जिन हालातों में वो जी रहा है, उसके लिए हम प्रशासन से क्या कुछ मदद हो सकती है, इस पर चर्चा करेंगे बालाघाट के कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा से। देखिए, जैसे कि आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया कल, और हमारी टीम आज से कल तक उस गाँव का विजिट कर लेगी, और बच्चा जो है जिन योजनाओं में पात्र हैं, बीपीएल कार्ड अगर हो सकता है तो बीपीएल कार्ड, राशन, साथ ही साथ उसकी काउंसलिंग करेंगे। अगर वो स्कूल जाना चाहेगा तो हम उसको हॉस्टल में भर्ती करा कर शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे, और परिवार का जो भी आर्थिक सहयोग हो पाएगा वो पंचायत के माध्यम से कराएंगे। देखिए, आवास योजना तो SCCC डेटा के आधार पर रहता है। SCCC डेटा पर अगर नाम होगा तो हम जरूर चेक कराएंगे कि किन परिस्थितियों में उसका नाम छोड़ा गया या छूट गया है। साथ ही साथ पेंशन के लिए, जैसे मैंने कहा कि BPL की पात्रता अनिवार्य है, BPL का कार्ड जांच कर लेंगे, BPL का कार्ड बना करके उसको लाभ देंगे।